समाचार में आप सभी का स्वागत। दिवाली के बाद सोने का भाव 1500 रुपयों से कम हुआ है। दिवाली के बाद सोने का भाव 1500 रुपयों से कम हुआ है। डॉलर की तुलना में रुपयों का दाम कम हुआ। देश के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग बढ़ने की वजह से सोने का भाव 1500 रुपए प्रति तोला कम हुआ है। ग्राहकों ने इस मौके का फायदा उठाकर सोना खरीदने के लिए भीड़ की है। इस दौरान एन दिवाली में सोने का भाव बढ़ गया था, इसलिए सर्वसामान्य ग्राहकों ने सोने का भाव कम होने का इंतजार किया था। अब भाव कम होने से सर्वसामान्य लोग सोना खरीदने के लिए इच्छुक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। मुंबई में फिलहाल 10% पानी कपात लागू कर दी गई है। मुंबई में फिलहाल 10% पानी कपात लागू कर दी गई है, लेकिन ये पानी कपात 10% ना होकर 30% है, ऐसा बताया गया है। तालाबों का पानी दिन ब दिन और भी कम होने की वजह से एन गर्मी में पानी का सवाल खड़ा हुआ है। बारिश कम होने से मुंबई को पानी पहुंचाने वाले तालाबों में सिर्फ 85% पानी बचा है, इसलिए अगले बारिश के मौसम तक मुंबईकरों को महापालिका ने 15 अक्टूबर से कम पानी देने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्कर खाने वाला देश, ऐसी पहचान होने वाला हिंदुस्तान शक्कर उत्पादन में भी अब नंबर वन है। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्कर खाने वाला देश, ऐसी पहचान होने वाला हिंदुस्तान शक्कर के उत्पादन में भी अब नंबर वन है। अब तक शक्कर उत्पादन में नंबर वन होने वाले ब्राजील में 2018-19 में 310 लाख मीट्रिक टन शक्कर का उत्पादन हुआ है, तो हिंदुस्तान के गन्ने के क्षेत्र बढ़ने की वजह से चालू वर्ष में सबसे ज्यादा 355 लाख मीट्रिक टन इतना विक्रमी उत्पादन होगा, ऐसा नेशनल शुगर फाउंडेशन का अंदाजा है। इसलिए हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा शक्कर उत्पादन करने वाला देश बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। गोवा रूबेला टीकाकरण की वजह से 40% बालक और माताओं का मृत्यु दर कम होने वाला है। गोवा रूबेला टीकाकरण की वजह से 24% बालक और माता की मृत्यु दर कम होने वाली है, इसलिए हर बालकों को यह टीका देना आवश्यक है। इसलिए बीमारी होने से पहले प्रतिबंधात्मक उपाय के लिए नागरिकों ने अपने बच्चों को गोवा और रूबेला के विरोध में लसीकरण देना आवश्यक है, ऐसा बताने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। 2017 में 12.4 लाख नागरिकों का हवा प्रदूषण से बीमार होकर उनकी मृत्यु हुई है। 2017 में 12.4 लाख नागरिकों का हवा प्रदूषण से बीमार होकर उनकी मृत्यु हुई है और इनमें 1 लाख से अधिक मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है, ऐसा गंभीर चित्र जागतिक पढ़ाई के निरीक्षण से सामने आया है। हवा में तहरने वाले और श्वसन मार्ग से आरामी से शरीर में जाकर अति सूक्ष्म धूलिका नागरिकों की सेहत के लिए तंबाकू से भी बड़ा खतरा है, ऐसा इस अहवाल में बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। एसटी महामंडल के चालक और वाहकों को लिपिक पदों पर बढ़ोतरी देने की घोषणा परिवहन मंत्री इन्होंने दी है। परिवहन मंत्री इन्होंने एसटी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज दी है। महामंडल के चालक और वाहकों को लिपिक पद पर बढ़ती देने की घोषणा की है और इन कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 25% आरक्षण देने का निर्णय लेने का स्पष्ट किया है। इस वजह से महामंडल के पदवीधर और पदव्युत्तर कर्मचारियों को लिपिक और टेक लेखन बनने का मार्ग आसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार।